अजिंक्य रहाणे की सेना ने विराट कोहली की अगुवाई में मिली पहले टेस्ट की हार का बदला मेलबर्न में ले लिया। जानकारों के मुताबिक ये क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन वापसी में से एक रही, क्योंकि टीम इंडिया पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 36 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। ऐसे में उसका हौसला नहीं टूटा और दूसरे मैच में उसने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से शिकस्त देकर हैरान कर दिया। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया की जमकर तारीफ की और माना कि भारतीय टीम ने अपने चरित्र का प्रदर्शन किया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऐसे मारा है जैसे बोरी में बंद कर मारते हैं। शोएब अख्तर ने कहा, एक टीम जो पहले टेस्ट मैच में 36 रनों पर ऑल आउट होकर मैच हार गई थी, दूसरे टेस्ट में उसके पास विराट कोहली, मोहम्मद शमी और रोहित शर्मा कोई नहीं है। इन स्टार खिलाड़ियों के बिना वापसी करना और ऑस्ट्रेलिया के उसके घर में पटक देना आसान नहीं, ये है टीम इंडिया। भारतीय टीम के बाकी खिलाड़ियों ने आगे आकर जज्बा दिखाया। रहाणे ने खामोशी के साथ कप्तानी की, खामोशी के साथ गेंदबाजी में बदलाव किए, लेकिन उसकी कामयाबी आज शोर मचा रही है। शोएब अख्तर ने आगे कहा, मोहम्मद सिराज के पिता का निधन हो गया लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाए। सिराज ने अपना गुस्सा दिखाया और 5 विकेट लिए। अख्तर ने शुभमन गिल को आने वाले वक्त का बड़ा बल्लेबाज भी बताया। शोएब अख्तर ने कहा कि टीम इंडिया पहला मैच जिस तरह हारी वो हौसला तोड़ने वाली थी, लेकिन यहाँ से टीम गिरी नहीं बल्कि उठ खड़ी हुई, यही टीम इंडिया की सबसे अच्छी बात रही। और वाकई एडिलेड में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया को बुरी तरह हराया था, लेकिन मेलबर्न में जैसे ही रहाणे को कोहली की गैर मौजूदगी में कप्तानी मिली तो उन्होंने कंगारुओं से 10 दिन के अंदर हार का बदला ले लिया। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।